आज भी मेरी एक ड्रामे की शूटिंग हो रही है जिसको लिखा है परवेज कलीम साहब ने, और मैं वो शूटिंग छोड़ कर आई हूँ। परवेज साहब मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी जान है। अब जब भी मैं फिल्म के बारे में सोचती हूँ या ड्रामे के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में परवेज का नाम आता है। तो मैं कराची से फ़ोन करती हूँ, मैं कहा परवेज साहब ये काम करना है, कहते हाँ ठीक है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं स्टूडियो में या एवेन्यू में, तो इन्होंने आइडिया सुना दिया, बात आई गई होगी। वो आइडिया मेरे जहन से नहीं निकला, वो फिल्म थी हजाई, उसके प्रोड्यूसर भी माना साहब यहाँ बैठे हुए, उसके राइटर भी यहाँ बैठे, उसकी डायरेक्टर भी यहाँ है। तो वो फिल्म ऐसी बनी कि मैं बता ही नहीं सकती। माशाल्लाह उसमें माना साहब ने इतना नाम कमाया एज ए प्रोड्यूसर। परवेज साहब तो वैसे ही नामवर है, इनके सबसे पहले मैंने बाजार हुस्न देखी थी एज ए राइटर, कमाल लिखा था। और वो फिल्म जो है वो इंडिया तक में कॉपी हुई थी एज डायलॉग, सेम सब्जेक्ट था उनका। बहरहाल मेरी तो अभी भी यही लिख रहे हैं, आइंदा भी यही लिखेंगे, जब तक मेरी जिंदगी है मेरे राइटर परवेज साहब ही है। थैंक यू। बस मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं ये, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे और हमारे साथ। थैंक यू, आई लव यू।